हे hey दोस्तों, कैसे आप लोग। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन लेके आया हूँ। दोस्तों, इस एप्लीकेशन की मदद से आप ये पता कर सकते हैं कि जो भी आपके मोबाइल में इंटरनेट है कितना स्पीड दे रहा है, कितनी अपलोडिंग है, कितना डाउनलोडिंग है, आप ये सब चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सब तो नॉर्मली है, लेकिन अगर आप ये देखना चाहते हैं कि आपके एरिए में सबसे बढ़िया नेटवर्क कौन सा है, किसका नेटवर्क अच्छा पकड़ता है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो घंटी है ना आप उसको दबा दीजिए ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ सबसे पहले आप देख पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जिसका नाम है ओखला। शायद आप जानते होंगे, स्पीड टेस्ट ओखला। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हूँ, और अगर आप देखेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग बहुत ही कमाल की है और रेटिंग भी बहुत ही कमाल की है, जिससे पता चलता है कि यह एप्लीकेशन कैसा वर्क करता है। तो दोस्तों, अगर आप इसको इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसको यूज करना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। अब दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाएगा। पहला ऑप्शन बता रहा है कि आपका जो नेटवर्क है किससे कनेक्टेड है, और दूसरा बता रहा है कि आपके पास जो मोबाइल है वो एंड्रॉयड है, LTE है, और आपको बीच में एक ऑप्शन दिख रहा होगा गो का। अगर आप गो पे क्लिक करेंगे तो यह बताएगा कि जो आपकी अपलोडिंग है, डाउनलोडिंग है, कितनी चल रही है। तो चलिए मैं गो पे क्लिक कर देता हूँ। अब आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, यह कैलकुलेट करके बता देगा। तो जो स्पीड है आप देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग है 8.31 MB। अब देखिए अपलोडिंग कितना बताता है, अपलोडिंग है 6.54 MB/s। तो अच्छी है यार, बहुत ही अच्छी है। अब आपको नीचे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, अगर आप रिजल्ट पे चेक करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा कितनी अपलोडिंग है, कितनी डाउनलोडिंग है, कितने बजे, कितने तारीख को। ठीक है, आपको यहाँ पे सारा डिटेल मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको तीसरा ऑप्शन मिल जाता है कवरेज का। अगर आप कवरेज पे क्लिक करेंगे फिर आपको यहाँ से एनेबल कर देना है। ठीक है, आपको एनेबल पे क्लिक करना है। जैसे आप इनेबल पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं मेरे इधर जियो का भरपूर नेटवर्क है, और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जहाँ पे जियो का ज़्यादा नेटवर्क है वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रेड दिखा रहा है, वाइट वाइट दिखा रहा है, और जहाँ पे नेटवर्क कम है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा रेड है, और जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वहाँ पे रेड नहीं है। ठीक है, मैं आपको जूम माइनस करके दिखा देता हूँ। ये रहा हमारा इंडिया, मैं आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट, आप देख सकते हैं ये रहा हमारा इंडिया, और इंडिया में सबसे ज़्यादा नेटवर्क जियो का है। किस साइड में इसका नेटवर्क बहुत ही बढ़िया है और किस साइड में नहीं है आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं मेरी तरफ जियो का फुल नेटवर्क है, और दोस्तों अगर आप देखेंगे तो आपको नीचे का ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे जियो लिखा हुआ है, और आपको इस साइड में एक एरो का निशान मिल जाएगा, तो आपको एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप एरो पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे सारी कंपनियाँ मिल जाएंगी, अगर आप एयरटेल का, एयरसेल का, BSNL का, आइडिया का, MTNL का, रिलायंस का, टाटा डोकोमो का, टेलीनॉर का, वोडाफोन का चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकती हैं आपके एरिया में इसका नेटवर्क कितना है। तो चलिए मैं सबसे पहले एयरसेल का चेक करता हूँ, एयरसेल। तो आप देख सकते हैं कि फिलहाल मेरे इधर नेटवर्क है, लेकिन आप देख सकते हैं बाकी जगह नेटवर्क नहीं है, और जैसा कि आपको पता होगा एयरसेल कंपनी बंद हो चुकी है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसका नेटवर्क बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। अब चलिए मैं चेक करता हूँ आइडिया का। तो आप देख सकते हैं कि आइडिया का भी बहुत ही अच्छा नेटवर्क है, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, और ये जो लाइनिंग दिखा रही है शायद से कुछ है, लेकिन मुझे इसके बारे में नहीं पता है क्या है, लेकिन कुछ तो है। ठीक है,
तो चलिए हम किसी दूसरे का चेक करते हैं, रिलायंस का। रिलायंस भी बंद हो चुका है, आप देख सकते हैं कि नेटवर्क का नामो निशान नहीं है। तो चलिए हम अभी टाटा डोकोमो का चेक करते हैं। तो भाई साहब टाटा डोकोमो का है लेकिन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके एरिया में सबसे बढ़िया नेटवर्क कौन सा है और कौन सा बढ़िया नेटवर्क नहीं है। अगर आप चौथे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों मैं इसको चेक किया, मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोचा क्यों ना आपके बीच इसको शेयर करूं। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह की नई और लेटेस्ट वीडियो मिलने वाली है। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।